अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारे घर में है पाए और साग की दावत, क्योंकि सर्दी हो चुकी है बहुत ज़्यादा और आपको भी आने वाला है बहुत मज़ा इस व्लॉग में। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। अम्मी ने साग पे तड़का लगा लिया है, साग बिल्कुल रेडी है और उसके साथ है मकई की रोटी। और अम्मी ने सबके लिए बॉक्सेस बना लिए हैं देने के लिए। दावत के लिए तो बना है साग, लेकिन दिया जाएगा सबको, क्योंकि है ये सर्दियों की सौगात। आप देख सकते हैं माशाल्लाह सब साग के बॉक्स रेडी हैं। क्या आया है? आपने नहीं, आपने कहा मेरे लिए आया है। नहीं आया, आपने मैं पीऊंगी। अम्मी दूर से कह रहे हैं आपके लिए नहीं आया, मेरे लिए आया, मैं पीऊंगा। दावत के लिए तैयारियां चल रही हैं। रोहान और उनके पापा पहनेंगे सेम ड्रेस और साथ में है मेरा ड्रेस। प्रेस करते हैं और उसके साथ करते हैं दूसरा काम। रोहान दावत की तैयारी कर रहे हैं। रोहान ने ये बिछा लिया है और रोहान खुदम कादी कर रहे हैं। अभी रोहान तैयार होने जा रहे हैं। और टेबल हमने रेडी कर ली है, उसमें रायता, सलाद, शलजम का अचार, पाए के लिए मसाला, हरा धनिया, कटी हुई मिर्चें, अदरक, लीमू, गांव का अचार, लाल चटनी, शिकारपुर का मशहूर अचार, शलजम का अचार, और इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी हमारे YouTube चैनल पे। सब मेहमान आ चुके हैं और अभी कर रहे हैं बातें। थोड़ी देर में लगाएंगे हम दस्तखान, क्योंकि अभी तो सब जमा हुए हैं। थोड़ी सी होंगी बातें और फिर उसके बाद खाएंगे हम लोग खाना। ऐसे तो वैसे लोगों के बाहर बैठे बहुत मोटे आ रहे हो। आज की जो हमारी दावत का मेन्यू है उसकी डिशेस हैं पाए, बिरयानी, साग, मिक्स सब्ज़ी। जब भी इस तरह की गेट टुगेदर होती है तो रोहान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके सबके साथ बहुत मज़ा आता है। और उनके वैसे भी सारे जितने भी मामू हैं बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि सब रोहान से बहुत खेलते हैं। खाना लग चुका है, मिक्स सब्ज़ी, बिरयानी, साग, पाए, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने खाना लेना स्टार्ट कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह सब खाना खा रहे हैं। और मैं आपको करीब से दिखाती हूँ मिक्स सब्जी पाए, उसके साथ है बिरयानी और गूदा उसके लिए निकाल के अलग से रखा हुआ है, और उसके अलावा सलाद और साग, और उसके अलावा मक्खन भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह जब पूरी फैमिली जमा होती है तो बहुत मज़ा आता है। अल्लाह ताला इनको नज़रे बद से बचाए। और अब बारी है मेरे खाना खाने की, तो मैं सबसे पहले लूँगी सब्ज़ी। साग मैंने अपना खाना ले लिया है और मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के अब अपना खाना शुरू करूंगी। अब सबको देंगे कोल्ड ड्रिंक। अम्मी अबू की थी वेडिंग एनिवर्सरी एक दिन पहले, तो खाला लेकर आई हैं उनके लिए गिफ्ट। रोहान और उनकी खाला जो है वो अब मिलके खेल रहे हैं, क्योंकि रोहान ने स्पाइसेस बॉक्स को बनाया हुआ है वेंडिंग मशीन। तो उनकी खाला ने कहा लाओ मैं आपको निकाल के दे देती हूँ। और आप देख सकते हैं उनकी खाला जो है उनकी मदद कर रही हैं, और रोहान बहुत खुश है क्योंकि वो समझ रहे हैं ये वेंडिंग मशीन है।
चांद की टॉफियां रखी थी, लॉलीपॉप टॉफियां बिस्किट। कैसे निकले ये? एक में बिस्किट, एक में चिप, एक में लॉलीपॉप, रेड स्पाइडरमैन। कैसे निकले गए? नहीं निकले। वापिस रख दूं? रखने दो। अच्छा मैं इसको लेता हूँ, आप रखो। अब रखो, इनका हर गिफ्ट पे कब्जा होता है। अंदर रख दो आराम से, फिर इसमें अपनी ट्रॉफियां रख के रख लेना। सही है, नहीं जल्दी से आराम से। नहीं तो ऑफ नहीं, फिर क्या रखेंगे? फुटबॉल चिप्स नहीं रखूंगा। फिर क्या रखोगे? ये डब्बे के अंदर ये रख लेगा। और इसके अंदर क्या रखोगे? इसमें क्या रखोगे? ट्रॉफियां। इसके अंदर क्या रखोगे रोहन? इसके अंदर ये रखे। चलो डालो। अभी फिर निकलेगा बाहर। बंद कर दो, बंद कर दो। ऐसे नहीं, पहले ये वाला, पहले ये वाला बंद, फिर ये वाला बंद। चलो बाहर जल्दी। एक मिनट। छुपा के रख दो इसको, छुपा के रख दो, वरना कोई ले जाएगा। छुपा के रख दो इसको। चलो हो गया, जल्दी से। स्टोर में छुपा दो। स्टोर में ले आओ। ये बना है। क्या बना है? ये कोला। ये बना। ये रखना है इसके ऊपर। सही है, ये सारी चीजें रखना। खालू मेरे थोड़े लेट आए, तो मेरी खाला अब उनके साथ खाना खा रही हैं। एक दिन पहले थी अम्मी अबू की एनिवर्सरी, तो खाला खालू अम्मी अबू के लिए केक लेके आए थे, जो हम आपके सामने कट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं मामी रूहान को केक खिला रही हैं। और आपको तो पता है बच्चों को बहुत शौक होता है केक काटने का। सब बहुत खुश होते हैं जब रूहान जो है वो केक कट करते हैं, क्योंकि रूहान को लगता है कि उनकी अपनी बर्थडे है। बच्चों को अभी से लगा दें चीज। गोल्डन पहले आप भाई। अरे आप भाई भाई। ये तो डबल डबल सब मेहमान जा चुके हैं और रूहान को लेना था टॉय, तो हम लोग आ गए हैं आयशा मंजिल रूहान को टॉयज दिलाने, क्योंकि इतनी रात को सिर्फ वहीं पे है जो टॉय शॉप खुली होती है। ये शॉप मौजूद है आयशा मंजिल पे और ये लेट नाइट तक खुलती है शॉप। और अगर आप चाहते हैं किसी के लिए गिफ्ट देना और अचानक इमरजेंसी आ जाए, या कहीं जा रहे हो और आपके दिमाग में है कि आपको गिफ्ट देना है, बहुत सारे गिफ्ट्स मौजूद हैं इनके पास। बहुत अच्छे टॉयज हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, रीज़नेबल प्राइस है, और रात को आपको ये ओपन मिल जाती है शॉप। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है रूहान ने अपने लिए टॉयज ले लिए हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको पता लग सके। इंशाल्लाह अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।